प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। छठी कक्षा गणित में हमने प्रश्नावली 3.5 को किया था और 3.5 होमवर्क के लिए आपको पूरा करने को दिया था। तो 10-12 बच्चों का मुझे होमवर्क प्राप्त हुआ है। बहुत ही कम बच्चों ने पूरा होमवर्क करके मुझे भेजा है। हनेश बेटा, आपका होमवर्क आया है, परंतु आपने प्रश्न नंबर 6 तक प्रश्नावली 3.5 को किया है। आपने 12 तक प्रश्न नंबर 12 तक प्रश्नावली 3.5 को करना था। वंश का होमवर्क आया है, परंतु आपने पिछला होमवर्क भेजा है, प्रश्नावली 3.5 का होमवर्क आपका नहीं आया है। प्रियांशु का होमवर्क पूरा आया है। सिमी का होमवर्क भी आया है, परंतु आपने प्रश्न नंबर 8 तक किया है और आपको प्रश्न नंबर 12 तक करना है। इसके अतिरिक्त प्राची का होमवर्क भी आया है, बेटे आपने भी सिर्फ प्रश्न नंबर 5 तक किया है, प्रश्न नंबर 12 तक करना था। गौरव, आपने प्रश्न नंबर 7 तक किया है और आपको भी प्रश्न नंबर 12 तक करना है प्रश्नावली 3.5 को। नंदिनी भी ने भी प्रश्न नंबर 7 तक ही प्रश्नावली 3.5 को किया है, आपने 12 तक करना है। राम बाबू ने बहुत पुराना कोई होमवर्क भेजा है पिछला, तो आप अपना काम अप टू डेट करें। और गुनगुन ने होमवर्क मुझे भेजा है, परंतु जो आपने बेटा होमवर्क भेजा है वो प्रश्नावली 3.5 का नहीं है, वो प्रश्नावली 3.4 का है। तो आप प्रश्नावली 3.5 का होमवर्क भी करके मुझे भेजें। सिमरन का होमवर्क आया है, बेटे आपने भी पिछला होमवर्क मुझे भेजा है, जो 3.5 का होमवर्क था वो नहीं भेजा है। उसी तरह से नियति ने भी पिछला होमवर्क ही मुझे भेजा है, 3.5 का होमवर्क आपका भी नहीं आया है। नव्या वर्मा ने प्रश्नावली 3.5 का होमवर्क तो भेजा है, परंतु पूरा नहीं है, प्रश्न नंबर 6 तक ही आपने किया है। तो जिन भी बच्चों का अधूरा होमवर्क है, तो बच्चों आप अपना जो होमवर्क है प्रश्नावली 3.5 पूरा करके मुझे भेज दें। तो चलिए आज हम करते हैं हमारा अगला टॉपिक प्रश्नावली 3.6। तो 3.6 में हम निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न करेंगे। बच्चों, प्रश्नावली 3.6 प्रश्न नंबर पहला है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। आपने 18 और 48 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। बच्चों, महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं? हम क्या करेंगे, पहले उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे जिनका हमने महत्तम समापवर्तक निकालना है। उसके बाद उन संख्याओं के सार्व गुणनखंड लिखेंगे और सभी सार्व गुणनखंडों को गुणा करेंगे, वो क्या आता है, महत्तम समापवर्तक। जैसे हमारे पास है 18 और 48, तो हम पहले 18 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 18 2 से भाग होता है, 9 दूने 18। अब 9 किसे भाग होता है, 3 से, 3 3 9, 3 किससे होता है, 1 ही 3 3। इसके बाद दूसरी संख्या है 48, तो आप क्या करेंगे, 48 के गुणनखंड लिखेंगे। 48 2 से भाग होता है, 2 दुने 4, 4 दुने 8। 24 2 से भाग होता है, 1 ही दुने 2, 2 दुने 4। 12 भी 2 से भाग होता है, 6 दुने 12। 6 2 से भाग होता है, 3 दुने 6। और 3 किससे भाग होता है, 3 से। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 18 है और 48 है, इनके गुणनखंड लिख रहे हैं। 18 के गुणनखंड क्या थे, 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 3। और दूसरा है 48, 48 के क्या है, 1 2 3 4, 2 4 बार है और 1 बार है 3। 2 दुने 4, 2 दुने 8, 2 दुने 16, 3 48, 2 दुने 4, 2 3 6, 3 18। अब हमने लिखना है 18 और 48 के सार्व गुणनखंड। अठारह और 48 के सार्व गुणनखंड, तो बच्चों जो सार्व गुणनखंड आपने पहले भी किए हैं, सार्व गुणनखंड वो गुणनखंड जो
18 का भी है और 48 का भी है। तो क्या क्या है सार गुणनखंड में? ये दो, ये दोनों में है, और ये तीन, ये भी दोनों में है। तो दो गुणा तीन बना छ। तो इस प्रकार 18 और 48 का महत्तम समापवर्तक क्या हुआ? 6। 18 और 48 का महत्तम समापवर्तक बराबर है 6। तो बच्चों इस तरह से आपने महत्तम समापवर्तक निकालना है। बच्चों इसी का हम एक प्रश्न और लेते हैं जी। 70, 105 और 175, इनका क्या निकालना है आपने? महत्तम समापवर्तक। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनका अलग अलग से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 70 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगे? किसे भाग होता है? 2 से। 3 दुने 6, 5 दुने 10। किसे भाग होता है? 2 से नहीं होता क्योंकि 5 आ गया। 3 से नहीं होगा, ये होगा 5 से। 7 पंजे 35, अब 7। इसके बाद हम बनाएंगे 105 के गुणनखंड। तो 105 के गुणनखंड क्या क्या बने? किसे भाग होता है? 2 से तो नहीं होगा, 3 से। 3 तीन है 9, 10 में से 9 हो गए 1, 5 उतरा 15 बना, 5 तीन है 15। अब 35 किससे होगा? जैसे यहाँ किया है, देखिए 35, 5 से, 7 पंजे 35, 7 हुआ 7 से ही, एक ही सत्य 7। और तीसरा है 175। 175 के अभाज्य गुणनखंड आप बनाएंगे, 2 से तो भाग नहीं होगा क्योंकि इकाई में क्या है? 5। और 2 से कौन सी संख्या भाग होती है? जिसमें इकाई क्या हो? 0, 2, 4, 6 और 8। तो अब हम किससे करेंगे? 3 से। 3 से कैसे चेक करते हैं? 7 3 8 8 5 13 नहीं होता, तो अब किससे होगा? 5 से, क्योंकि इकाई 5 है। 3 पंजे 15 25, 5 पंजे 25, 35 आ गया। और 35 उसी तरह से जैसे पीछे किया है, 7 पंजे 35। अब क्या करेंगे आप? इन सभी के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। हमारे पास था 70, 105 और 175। इन सबके आप अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 70 के है 2, 5 और 7। 2 गुणा 5 गुणा 7। 105 के हैं 3, 5 और 7। 3 गुणा 5 गुणा 7। 175 के हैं 5 गुणा 5 गुणा 7। तो ये लिखे आपने अभाज्य गुणनखंड। अब क्या लिखना है? सार्व गुणनखंड तीनों के। सार्व गुणनखंड, तो सार्व गुणनखंड कौन से हैं? कौन से अंक ऐसे हैं जो तीनों में आ रहे हैं? देखिए 5 5 5, एक तो 5 है, और क्या है तीनों में? 7 7 7। तो कितना बना? 5 7 35। तो जो महत्तम समापवर्तक है इसका ये आया 35। महत्तम समापवर्तक कोई नई चीज नहीं है, आपने सार्व गुणनखंड निकालना है। जो सार्व गुणनखंड होता है उसी को हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। देखिए बच्चों एक प्रश्न और करते हैं हम। 91, 112 और 49, इसका आपने महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 91 है इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। कानवे किससे भाग होता है? 2 से तो नहीं होगा, 3 से, 9 1 10 नहीं होगा, 5 से नहीं होगा सीधा, 7 से। 13 से 91। 13 किससे भाग होता है? 13 से ही भाग होता है। 112 इसके गुणनखंड निकालते हैं। 112 2 से भाग होगा, 5 2 10, 6 2 12, 56 भी 2 से भाग होगा, 2 2 4, 8 2 16, 28 भी होगा, 14 2 28, 2 से 7 2 14, 7
सात से। अब बनाए कि 49 के, 49 आपको बताए सिर्फ सात से भाग होता है, और जो अभाज्य गुणनखंड है इनको लिख लेंगे। जो 91 था ये हो गया 7 × 13, और जो 212 है ये हुआ 1, 2, 3, 4, 2 को 4 बार लिखना है। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4 और 1 बार 7, और जो 49 है 7 को 2 बार। अब जो सार्व गुणनखंड है पहले उसको लिखेंगे, वही क्या होता है महत्तम समापवर्तक। सार्व गुणनखंड जो अंक तीनों में है, कौन सा अंक ऐसा है? ये देखिए ये 7 पहले में भी है, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है, तो ये क्या हुआ सार्व गुणनखंड। तो यही क्या होता है महत्तम समापवर्तक। तो कितना हुआ महत्तम समापवर्तक 7। तो बच्चों इस तरह से आप जो पहला प्रश्न है इसके सभी भाग करेंगे, जिसमें आपने क्या निकालना है महत्तम समापवर्तक। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्न का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? ए 2 क्रमागत संख्याएं, बी 2 क्रमागत सम संख्याएं, सी 2 क्रमागत विषम संख्याएं। देखिए 2 क्रमागत संख्याएं, 2 क्रमागत संख्याएं, क्रमागत क्या होती है एक के बाद एक, जैसे 3 के बाद 4, 10 के बाद 11, 21 के बाद 22, इनको बोलते हैं क्रमागत। तो इनका जब हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो वो क्या होगा हमेशा एक होगा। तो प्रश्न नंबर दूसरे का ए, इसमें क्या लिखना है आपने एक। बी 2 क्रमागत सम संख्याएं, तो जो 2 क्रमागत सम संख्याएं हैं वो कैसी होती है, जैसे 2 और 4, 10 और 12, 20 और 22, 50 और 52, क्रमागत सम संख्याएं। तो इनका जब आप महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो कितना आएगा 2। तो प्रश्न नंबर दूसरे के बी में क्या लिखेगा आप 2। सी है 2 क्रमागत विषम संख्याएं, 2 क्रमागत विषम संख्या हुई जैसे 7, 9, 21, 23, 39, 41, ये क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो इनका जब आप महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो ये भी कितना आएगा एक आएगा। तो प्रश्न नंबर दूसरे के सी में क्या लिखेगा आप एक। और प्रश्न नंबर तीसरा है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 2 से अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया गया है। 4 = 2 × 2 और 15 = 3 × 5। चूंकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार्व गुणनखंड नहीं है, इसलिए 4 और 15 का महत्तम समापवर्तक 0 है। क्या यह उत्तर सही है? अगर नहीं है तो सही क्या है? देखिए कोई भी 2 अभाज्य संख्याएं हैं उनका ये अभाज्य नहीं सह अभाज्य है, ठीक है, ये दोनों क्या है 2 सह अभाज्य संख्याएं हैं, और इनका जो महत्तम समापवर्तक है वो कितना होता है एक। तो इसमें क्या लिखेगा आप प्रश्न नंबर तीसरे में, नहीं क्योंकि जो 2 सह अभाज्य संख्याएं हैं इनका महत्तम समापवर्तक एक होता है, क्योंकि कोई भी ऐसा अंक नहीं है जिनसे जिससे चार भी भागो 15 भी भागो, तो इसलिए इसको क्या बोलते इन दोनों को बोलते हम सह अभाज्य संख्याएं, और सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम कितना होता है एक होता है। तो बच्चों इस तरह से आप जो प्रश्नावली 3.6 है इसके दोनों प्रश्न, पहले के जितने भाग है जे तक है, आपने सभी भाग करने हैं, और जो प्रश्न नंबर दूसरा है इसके 2 भाग है ये आपने करने हैं, और प्रश्न नंबर तीसरा अकेला है इसके कोई भाग नहीं है। तो आपने ये तीनों प्रश्न अपनी अपनी फेयर कॉपी में करके मुझे भेजने हैं। और बच्चों जिनका पिछला होमवर्क प्रश्नावली 3.5 का पूरा नहीं है वो सभी बच्चे अपना पिछला जो होमवर्क है वो भी करके मुझे भेजें। बच्चों रोज का होमवर्क आपने रोज भेजना है, रोज आपका होमवर्क जांचा जाता है किस बच्चे ने कितना किया है कितना नहीं किया है, इसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। तो आप ये ना सोचे कि हमने ये काम नहीं किया है तो हम अगला कर लेंगे, नहीं आपने पिछला भी कंप्लीट करना है और फिर अगला करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।